नमस्कार दोस्तों, ओसीएम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम काकर। अभी बहुत लंबा समय नहीं बीता है जब 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों की एकता की बात हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि अगर मोदी को हराना है तो सारे विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। और ये चीज़ें कब शुरू हुई थी? ये चीज़ें शुरू हुई थी पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आने के बाद। उस समय ये कहा गया था कि चूंकि ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है और वहाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को शिकस्त दी है, इसलिए ये अवसर है जब सबको एकजुट होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा था कि 1977 में एक प्रयास हुआ था और वो प्रयास ये था कि तब की कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी दलों का हर सीट पर यानी पूरे भारत में एक एक कैंडिडेट हो ताकि कांग्रेस को हराया जा सके। लगभग वैसी ही स्थिति अब भी है। ये कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक एक प्रत्याशी ही मैदान में हो विपक्षी दलों का, तो भाजपा को 2024 में शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये प्रैक्टिकल है? और अगर संभव नहीं दिखाई दे रहा है तो इसकी वजह क्या है? अभी ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपनी चाल तेज की है, जिस तरह वो पश्चिम बंगाल से बाहर निकल करके दिल्ली में आ रही हैं, अभी उन्होंने घोषणा की है कि वो मुंबई भी जाएंगी, महाराष्ट्र भी जाएंगी, और महाराष्ट्र जाकर के शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी करेंगी। इससे जो खास तौर से लुटियन मीडिया है, ऐसा लगता है कि जैसे उसकी नींदें उड़ गई हैं और इधर उनका सियापा देखने को मिल रहा है। उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि ममता बनर्जी तो कांग्रेस को ही खत्म करने पर आमादा है। बहुत और से कर से हम लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाव का कुछ वीडियो सिस्टम अभी मुझे गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भाव को जोड़ लेते हैं और जब तक उनका वीडियो सिस्टम बहाल नहीं होता है ऑडियो से ही उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाव, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मुझे भी याद बोलते कि मैं दिख रहा हूँ, लेकिन और लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ मेरा शायद मेरा कैमरा का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लैपटॉप। जी जी, वही मुझे लग रहा है, आपका जो कैमरा है वो शायद कुछ डिस्टर्ब हुआ है, जिस हाँ। वजह से आपकी छवि हम नहीं देख पा रहे हैं, पर आपका जो चित्र है वो हमारे सामने है। तो भाव, ये जो लुटियन मीडिया इस समय सियापा कर रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? मुझे तो वही अजीब लगा कि मैं पिछले हफ्ते भर से देख रहा हूँ कि जो इतने सालों से मोदी जी के पीछे पड़े थे, अमित शाह के पीछे पड़े थे, वो सब के सब वो ल्यूटियंस मीडिया के या एंटी मोदी वाले जो लोग थे, जर्नलिस्ट इंटेलेक्चुअल्स, वो अचानक से ममता के पीछे पड़ गए। और कल ही फोन पर मैंने आपको बताया था कि मुझे अजीब लगा, ये क्या मामला है कि अचानक से इन्होंने मोदी को छोड़ दिया और ये ममता के पीछे पड़ गए। ऐसी ममता ने क्या गलती कर दी? तो मुझे ये अजीब इसलिए लगा था कि कुछ 6 महीने पहले यही लोग जिनके नाम आप सबको मालूम है, राजदीप सरदेसाई हो या
वो आशुतोष हो या बाकी सब लोग जो है गिने चुने, आपको मालूम है कि जो हमेशा सिर्फ मोदी के खिलाफ ही बात करते हैं, ऐसे जो लोग है जी। वो अचानक से ममता के पीछे एक महीने से क्यों पड़े कि अब उनको मोदी डेंजरस नहीं लगता, इतनी ममता डेंजरस लगने लगी, ये क्या बात है? ये मुझे इसलिए लगा कि 6 महीने पहले मैं देख रहा था कि जब 6-8 महीने समझो 1 जनवरी से लेकर, कि अगर ममता बिहार बंगाल में हार गई तो मानो मोदी के खिलाफ की लड़ाई हार गए, इस ढंग से जो रो रहे थे किसी भी तरह से बंगाल में मोदी ममता को वापस आना चाहिए, ये नैरेटिव जो पुश कर रहे थे वो अच्छा। और उसके बाद जब ममता जीत गई तो देखो ममता ही अगला चेहरा है, ममता ही मोदी को हरा सकती है, इतना तक बोल रहे थे, वो अचानक से ममता के खिलाफ क्यों हुए जी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज सुबह के जो खबरें मैं देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ गया कि ममता ने आज जो पार्लियामेंट सेशन होने वाला है उसके एक दिन पहले जो मीटिंग सब पार्टियों के ऑल पार्टी मीटिंग होती है जी। उसके भी पहले कांग्रेस ने जो अपोजिशन के मीटिंग बुलाई थी अपोजिशन लीडर्स की, उसमें ममता नहीं शामिल हुई, ममता की टीएमसी का कोई भी लीडर उसमें शामिल नहीं हुआ, जो कि ऑल पार्टी मीटिंग में तृणमूल के लोग हाजिर थे, लेकिन कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मीटिंग बुलाई थी यूपीए के तहत उसमें ममता ने हाजिरी नहीं लगाई, जबकि वो मीटिंग यूपीए की नहीं थी बल्कि अपोजिशन पार्टियों की थी, लेकिन ममता की पार्टी के एमपी या लीडर्स वहां हाजिर नहीं हुए। और मान लो उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जनहित का जो मामला है उस पर हम बाकी सब अपोजिशन के साथ रहेंगे, यानी कि ममता पैरेलल यूपीए यानी बीजेपी के खिलाफ का दूसरा मोर्चा ममता खोल रही है। तो लड़ाई तो मोदी के बाद मोदी के साथ बाद में होगी, पहली लड़ाई यूपीए के साथ ममता ने छेड़ दिए और इसलिए ये रो रहे हैं। ये जो रो रहे हैं ये कांग्रेस ममता से हार रही है इसके लिए रो रहे हैं, इनको मोदी के खिलाफ के लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा जो असेसमेंट है ऐसे लोगों के बारे में, ये तो मोदी के खिलाफ वाले पत्रकार भी नहीं है, ये तो अनऑफिशियल कांग्रेसमैन है जो चुनाव में उतरकर या पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि नकाब चढ़ाकर कांग्रेस की लड़ाई लड़ते। ये ममता के पीछे इसलिए थे कि ममता मोदी को दुबला करेगी जी, वीक करेगी, इसके लिए थे। और अगर मोदी वीक हो जाते तो उसका अल्टीमेट फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये इनका समीकरण या गणित था, वो फिसल चुका है, क्योंकि मोदी अलग थलग हो गए अपोजिशन की पॉलिटिक्स में और अब कांग्रेस को खत्म करने के लिए ही ममता खड़ी हो गई। यानी बिल्कुल सही कह रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो गए भोलेनाथ, और उन्होंने वो भस्मासुर था उसको वरदान दे दिया, तू जिधर हाथ रखेगा वो तो जलकर खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो अब इन्होंने जो भस्मासुर पैदा किया है वो इनकी ही अनऑफिशियल जो पार्टी है कांग्रेस, या कांग्रेस के ये जो अनऑफिशियल लीडर्स है जी, इनके सर पर हाथ रखना शुरू कर दिया, इसलिए ये रो पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ। मेरा एक सजेशन है, जो हमारे दर्शक हैं उनको आपको सीधे लाइव ना देख करके केवल ऑडियो सुन करके मुझे लगता है कि आनंद की अनुभूति नहीं हो पा रही होगी, आप एक बार डिसकनेक्ट करके अपना लैपटॉप ऑफ करके ऑन कर लीजिए और 2 मिनट में सिंगल विंडो पर मैं स्क्रीन पर आ जाता हूं, मैं तब तक अपने दर्शकों से बात करता हूं, 2-2.5 मिनट में आप दोबारा से जुड़ने की कोशिश करिए, शायद कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है ठीक, ओके ओके जी जी। तो भाऊ हमारे साथ अभी 2-2.5 मिनट में फिर से जुड़ेंगे, एक्चुअल में किसी वजह से तकनीकी वजह से उनके लैपटॉप का कैमरा जो है वो ऑन नहीं हो रहा था, हालांकि जब कार्यक्रम हम लोग शुरू करने वाले थे
तब ओम था और भाव को मैं देख पा रहा था और भाव मुझे देख पा रहे थे। भाव का कहना यह है कि जो लुटियन मीडिया है वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के समय ममता बनर्जी को इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो ममता बनर्जी के हाथों नरेंद्र मोदी को हारते हुए देखना चाहते थे। अब ममता बनर्जी जीत गई, मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 77 सीटों पर अटक करके रह गई। इसको भी इस लुटियन मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार करार दिया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछले सदन में केवल 3 विधानसभा सीटों के साथ थी और उसने इन विधानसभा चुनाव में 74 सीटें और जीत ली थी यानी जमा की थी और 77 पर पहुंची थी। इसके विपरीत कांग्रेस की सीटें 44 थी पिछले विधानसभा चुनाव में और वो घटकर के 0 पर आ गई। तो किसी भी लुटियन मीडिया के आदमी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की बुरी पराजय हुई है कि वो 44 सीटों से 0 पर आ गई। लेफ्ट पार्टियों को 22 सीटें मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में और इसमें 0 मिली। लुटियन मीडिया ने ये नहीं कहा कि वामपंथियों की करारी शिकस्त हुई है, बल्कि इन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पिछली 3 विधानसभा सीटों में 74 और जोड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो गेन किया है। हाँ, वो सत्ता में नहीं आई, ये बात सही है, लेकिन हुआ क्या है? हो ये गया कि ममता बनर्जी जैसे ही तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी पश्चिम बंगाल में, वैसे ही उनके भीतर प्रधानमंत्री बनने की जो इच्छा है वो बलवती हो गई और उन्होंने उसके लिए बाकायदा प्रयास शुरू कर दिए। दिल्ली के दौरे, अलग अलग जगहों के नेताओं को टीएमसी में शामिल करना, और ये जो शामिल करने की मुहिम है ममता बनर्जी की, एक्चुअल में ये कांग्रेस पर भारी पड़ी है। कांग्रेस जो है वो कमजोर हुई है, और कांग्रेस ही परेशान नहीं है, ये लुटियन मीडिया के लोग भी परेशान हैं कि ममता बनर्जी तो कांग्रेस को ही खा रही है। अगर कांग्रेस खत्म हो गई तो फिर इनकी देखरेख कौन करेगा, इनको कौन पाल पाएगा? ये हाल थे। भाऊ, अब आप दिखाई दे रहे हैं। भाऊ मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का जो समर्थक लुटियन मीडिया है, क्या इनको अब इस बात का भी खतरा सता रहा है कि अगर ममता बनर्जी कांग्रेस की सोनिया गांधी या राहुल गांधी से बड़ी लीडर हो जाती है, 2024 में अगर वो विपक्षी दलों की पहली पसंद बन जाती है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो फिर लुटियन मीडिया को कोई नहीं पूछेगा, कलकत्ता के मीडिया को लोग पूछना शुरू कर देंगे? बिल्कुल, देखिए बात समझ लीजिए आप कि ममता को अगर सेंट्रल लीडरशिप में आना है, नेशनल लीडरशिप में आना है, तो उनको बंगाल के बाहर भी कुछ अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। आपको याद है देवेगौड़ा भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन कर्नाटक छोड़कर और कोई उनकी ताकत थी ही नहीं। वो भले जनता दल के मानते थे, लेकिन मुलायम सिंह हो या लालू यादव हो, आपको याद होगा उसी वक्त तो लालू ने अलग होकर अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाई, जबकि वो चारा घोटाला सामने आ गया और उस वक्त लालू जनता दल के प्रेसिडेंट थे। तो इसलिए ममता को और किसी जगह कम से कम 8-10 छोटे छोटे स्टेट्स जो है वहां अपना नाम दिखाना पड़ेगा, अपना करिश्मा दिखाना पड़ेगा। इसलिए वो त्रिपुरा हो, गोवा हो या गुजरात हो या और कहीं कहीं जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात यह है कि लुटियंस मीडिया रोता क्यों है जी? इनके आश्रयदाता सोनिया गांधी या कांग्रेस है,
अगर ममता उसकी लीडर बन जाती है तो ये मान लो कि मेले में बच्चा गुम हो जाता है, माँ बाप कहाँ गायब हो गए, ऐसे रोने लगता है, वैसे ये रो पड़े। ममता इनको संभालने के लिए चालू तैयार है, हाथ पकड़कर बैठी है कि भैया आ जाओ, डरो मत, रोना मत, मैं तुमको सेव कर दूंगा। लेकिन इनको अपने माँ बाप चाहिए, जो माँ बाप राहुल हो या प्रियंका हो, ऐसे है। और दूसरी बात यह कि दिल्ली का मीडिया जिस ढंग से कांग्रेस को हैंडल कर रहा था या कांग्रेस उनको हैंडल कर रही थी, उस ढंग से ममता इनको हैंडल नहीं करेगी। और यह सब रोना धोना उसी कारण से है, उनको लग रहा था कि भैया अगर बंगाल में बीजेपी नामोहरम हो जाती है, उसका वीक हो जाती है, तो ममता बंगाल में बैठेगी। और मेरा ख्याल ये है कि उस वक्त आपको याद होगा तो प्रशांत किशोर ममता को मदद कर रहा था और उन्होंने आके शायद राहुल गांधी को कन्विंस किया था कि जी, अगर जी। बंगाल में ममता फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाती है तो वो बंगाल में अटकी रहेगी और दिल्ली में नहीं आएगी, इसलिए बीजेपी के खिलाफ ममता को बंगाल में जीतना चाहिए, भले कांग्रेस उधर खत्म हो जाए, तो ममता को मदद करो। और राहुल गांधी, आपको याद होगा, नक्सलबाड़ी छोड़कर दूसरी मीटिंग तक उन्होंने नहीं ली थी, हाँ कहीं नहीं की थी, एक एक दिन गए और एक ही मीटिंग करके वापस आ गए और बोले नहीं कोरोना है, ये है, सेकंड वेव है करके, और सबने कितना राहुल गांधी की सराहना की थी कि देखो लीडर ऐसा होना चाहिए। यही लोग है जो आज ममता के नाम से रो रहे है, वो उस वक्त नहीं बोले कि पर ममता गांव गांव घूम रही है, उस पर नहीं बोल रहे थे मोदी या शाह पर कि क्यों गांव गांव घूम रहे, कोरोना है तो ममता भी घूम रही थी और ममता तो व्हीलचेयर पर घूम रही थी। लेकिन यही लोग कोरोना के लिए राहुल गांधी की सराहना करते थे और मोदी शाह की निंदा करते थे, लेकिन ममता को ममता का की लड़ाई लड़ने की हिम्मत की सराहना कर रहे थे। आज वही लोग ममता से डरे हुए है क्योंकि ममता ने यह तय किया है कि मोदी की लड़ाई बाद में हो सकती है, लेकिन अगर मोदी या बीजेपी के सामने लड़ने के लिए खड़ा होना है तो अपनी कुछ ताकत होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए जैसी कि आज कांग्रेस के पास है। जी जी, कांग्रेस मरी नहीं है। देखिए कांग्रेस, अब ठीक है बीजेपी को 19 करोड़ से ज्यादा वोट मिले, लेकिन कांग्रेस को भी 10 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, 11 करोड़ के आसपास है, वो कम नहीं है। ममता को ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़ वोट अभी असेंबली में मिले, तो फासला कितना है देखो। और मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, ये महाराष्ट्र थोड़ा है, कर्नाटक है, ये स्टेट हम अगर देखें तो हमें पता चलता है कि लड़ने की स्थिति में बीजेपी के टक्कर में अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है, दुबली है, मान लेते दुबली है जी, वो चुनकर ज्यादा लोग नहीं ला सकते, लेकिन बेसिक ढांचा है। जैसे मैं आपको और आसान करके बता दूं, आपको बिल्डिंग बनानी है, टावर बनाओ या 2 मंजिला इमारत बनाओ, लेकिन प्लॉट तो चाहिए। ममता के पास बंगाल में प्लॉट है लेकिन महाराष्ट्र में, राजस्थान में जमीन ही नहीं है, इमारत क्या खड़ी करेगी। सही, तो कांग्रेस के पास कम से कम 8-10 स्टेट में ऐसा अपना प्लॉट है जिस पर वो इमारत खड़ी कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि 2004 से 2014 तक बीजेपी हारती रही, बीजेपी अपनी विजय की इमारत नहीं बना पाई बिल्डिंग, लेकिन उनके पास भी प्लॉट था जैसे कांग्रेस के पास था। मोदी जी जैसा आदमी आ गया, आगे लीडर आ गया, जिसके पास रिसोर्सेस थे, ताकत थी, हिम्मत थी, इच्छा थी, उसने इमारत खड़ी कर दी। तो अगर आपको जीत की इमारत खड़ी करनी है तो आपके पास कम से कम प्लॉट होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए। जो जमीन ममता के पास नहीं है, तो भैया अगर जमीन चाहिए तो कांग्रेस की जमीन खाली पड़ी है, उठा लो, ग्रैब करो। तो ममता कांग्रेस की जमीन ले रही है और इससे ये सब लोग डरे हैं। जी जी, अगर लुटियंस मीडिया डर रहा है तो इसलिए डर रहा है कि उनको मालूम है
कि अगर कांग्रेस की ये जमीन चली गई और ममता के पास चली गई तो ममता हमारे मुट्ठी में रहने वाली नहीं है, जिस ढंग से प्रियंका, राहुल या सोनिया गांधी हमारे मुट्ठी में है। सही बात है। मोदी मोदी भूल गए लोग, मोदी योगी भूल गए, शायद वो वापस चले आए, 24 में भी चलेगा, लेकिन ममता नहीं आनी चाहिए, ये ल्यूटियंस मीडिया का एजेंडा बन गया है। अब ये एक थोड़ी मजाक भी कर लूं मैं, कि इनको लगता था कि हमारा एजेंडा ही मोदी खिलाफ की, मोदी के खिलाफ होने वाली लड़ाई का झंडा है, लेकिन ममता बोलती है आपका झंडा मेरा एजेंडा नहीं है, ये आपका एजेंडा हो सकता है लेकिन मेरा झंडा नहीं है, ये इनकी तकलीफ है जी। आगे बढ़ने से पहले भाऊ, एक तो मैं आपको जानकारी दे दूं, हालांकि आपकी जानकारी में होगा, त्रिपुरा में जो नगर निगम का चुनाव हुआ था, वामपंथियों का सुपड़ा साफ हो गया है, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है, शायद 51 में से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है त्रिपुरा में। और एक सवाल अभी आया है, इसको भी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माणिक भट्टाचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि टीएमसी ने मेघालय में कोई चुनाव ना जीत के कांग्रेस के एमएलए तोड़ के मेन ओपोजिशन बन गया है, लेकिन त्रिपुरा के नगर निगम में बुरी तरह से हार गई टीएमसी। एक बात हमें हमें भूलना नहीं चाहिए, अगर त्रिपुरा की राजनीति हम देखें तो मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले वहां टीएमसी के 11 एमएलए थे, टीएमसी के जी। वो पूरे के पूरे 11 एमएलए बीजेपी में चले गए, वहां बीजेपी खड़ी हो गई, तो टीएमसी की जो ताकत थी वही बीजेपी ने ग्रैब की, उस पर बीजेपी खड़ी हो गई। और इसका कारण ये था कि टीएमसी लोकल पार्टी है, तो उसको दिल्ली की राजनीति में मोदी के खिलाफ लड़कर सक्सेस मिलने वाला नहीं था, तो वो थक गए थे ममता को समझाकर, तो वो वहां के जो लोग थे जो टीएमसी में ही थे वो बीजेपी में आए थे, और आज वहां की जो बीजेपी है वो ओरिजिनल टीएमसी है, तो ममता ये भूल रही है। तो अब ममता ने किया कि वहां की जो कांग्रेस थी वो ग्रैब करने की कोशिश कर रही है, तो जितना उनको सक्सेस मिला है मैं मानता हूं वो बहुत है, बहुत है। अगर आप बंगाल की तरफ देखें तो बंगाल में 2016 के चुनाव में बीजेपी की क्या ताकत थी, 3 तो एमएलए चुनकर आए थे, वहां से 77 तक पहुंच गए। तो एक दिन में पार्टियां नहीं बनती, अगर दूसरे के तोड़कर भी आप लाए तो कितने ला सकते हो, कितने ला सकते हो। तो इसलिए मेघालय में भी उन्होंने जो किया है वो, और ममता वही ममता ने अपनी क्या बोलते हैं उसको स्ट्रेटेजी बनाई है, राहुल गांधी प्रियंका के कारण जो बड़ा फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, अगर शरद पवार उसको उठा लेते, अगर शरद पवार उसको उठा लेते तो मान लो वहां एनसीपी बनने वाली थी। अब संगमा जो थे, पूर्णो संगमा जो अभी जो पीए संगमा, जी जी पीए संगमा, वो तो एनसीपी के संस्थापक थे ना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, बिल्कुल। अब उनका बेटा वापस कांग्रेस में चला गया और वहां से अब टीएमसी में चला गया, तो क्यों नहीं पवार साहब ने उसको उठाया, पवार साहब उठा सकते थे। या आपको गोवा की बात बता दूं, आपको याद नहीं होगा लेकिन मेरा ख्याल है 1980 में जब चुनाव हो गए थे उसके बाद गोवा में पवार साहब की जो पार्टी थी उसको क्लियर मेजोरिटी मिली थी, जो प्रताप सिंह मेरा ख्याल है राणे नाम के चीफ मिनिस्टर बने थे, वो पूरी पवार की पार्टी लेकर कांग्रेस में चले गए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पवार साहब की ये बात है कि वो राष्ट्र की राजनीति करना चाहते लेकिन बारामती से पाव नहीं निकालना चाहते वो पुणे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं, पूना में भी नहीं, बारामती में अटके हुए। अब जो ममता बनर्जी कर रही है वही पवार साहब भी कर सकते थे। आपको कुछ महीने पहले की बात है, बंगाल केरला का चुनाव हो गया, उसके पहले मेरा ख्याल है चाको या कोई लीडर केरला का जो था,
वो एनसीबी में चला गया कांग्रेस छोड़कर, वहां का जो झगड़ा था चाको जो थे वो तो एनसीबी में चले गए, उनको एनसीबी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। तो जो आज ममता कर रही है वही शरद पवार भी कर सकते थे, लेकिन शरद पवार बारामती और महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी में फंसे हुए, वो महाराष्ट्र से निकलना नहीं चाहते। मैंने एक बढ़िया, हमारे मराठी इतिहासकार है, उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी है मराठों का इतिहास करके, कि मराठे तो उस पर अटक के पार गए थे, अटक यानी अफगानिस्तान तक गए थे अब्दाली का पीछा करते। जी जी। लेकिन ये दिल्ली के बादशाह नहीं बन पाए मराठा, इसका कारण उन्होंने बताया इतिहासकार ने, कि ये कितने भी सरदार बन जाए लेकिन अपना वतन नहीं छोड़ते। तो पवार साहब की जो हालत है वही एक तरीके से ममता की भी होगी, क्योंकि ममता खुद को बंगाली, बंगाल की है ये भूलना नहीं चाहती। मोदी जी आज भी, अमित शाह आज भी गुजराती ही है, लेकिन वो वाराणसी से चुनाव लड़े थे, बड़ौदा वाराणसी से, बड़ौदा छोड़ा वाराणसी पकड़ के रखा और मोदी जी वाराणसी और यूपी के बन गए, ये फर्क है। अगर आपको ऑल इंडिया नेता बनना है, इंदिरा जी आपको मालूम होगा चिकमंगलूर से, मेढक से भी चुनकर आई थी। बिल्कुल। तो वो यूपी की या कश्मीरी पंडित बोलते उनको, लेकिन वो कश्मीरी पंडित नहीं रहे, वो पूरे इंडिया के बन गए। मोदी जी पूरे इंडिया के बन गए, ना शरद पवार बन पाए, और मुझे शक है कि ममता भी ऑल इंडिया नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो बंगाल की अस्मिता छोड़ना नहीं चाहती, राष्ट्रीय अस्मिता नहीं लेना चाहती। आज भी उनकी तकरार जो है बीएसएफ के बारे में, कि 50 किलोमीटर की भूमि उनको बीएसएफ को क्यों दे दी, यहां फंस गई है ममता, वहां फंसी है, वो ऑल इंडिया नहीं बन सकती। और ल्यूटियंस मीडिया की तकलीफ वो है, ये तो ऑल इंडिया नहीं बन पाती, और कांग्रेस जो ऑल इंडिया है उसको खत्म कर रही है, तो मोदी जी का रास्ता साफ कर रही है। भाव लुटियन मीडिया को क्या ये लग रहा है कि वो कांग्रेस को तो आसानी से हैंडल कर लेते हैं, कांग्रेस तो उनका वित्त पोषण करती रहती है, लेकिन ममता बनर्जी तो किसी की नहीं सुनती, ये डर है? बिल्कुल, वो तो डर है, वो डर है कि मैंने बोला ना आपको कि कांग्रेस तो हमारी मुट्ठी में थी, कांग्रेस हमारी मुट्ठी में थी, हम बोले वैसे कांग्रेस करती थी, ममता नहीं करेगी। ममता इवन कलकत्ता का जो मीडिया है उसको भी मानती नहीं है ममता, वो अपनी मनमानी करती है, उनकी सलाह वगैरह नहीं सुनती वो। तो अगर ये कोलकाता वालों की नहीं सुनती तो हमारी भी नहीं सुनेगी। हाँ, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते अगर ममता स्ट्रांग हो जाती है तो कोलकाता का मीडिया है वो ल्यूटियंस मीडिया से भारी हो जाएगा, ये इनका डर है। जैसे मोदी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मेनस्ट्रीम मीडिया को ही डिमोरलाइज और डीएक्टिवेट कर दिया, आज हम सोशल मीडिया भी देखे तो ये 5-7 साल पहले जो मेनस्ट्रीम मीडिया के जायंट्स थे वो आजकल सोशल मीडिया पर ही अपना कुछ करना चाहते, मेनस्ट्रीम मीडिया में बचे नहीं है। मैं जिनके बारे में बोल रहा हूँ, राजदीप सरदेसाई हो, आपका वो आशुतोष हो, राजेश बादल, उनको देखिए आप, बरखा हो, बरखा दत्त हो, वो सब के सब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो जो मेनस्ट्रीम मीडिया था वो पूरा का पूरा खोखला कर दिया, जिस पर से सामान्य जनता का भरोसा उड़ गया है। तो आजकल ये सब सोशल मीडिया पर छाए हुए और ज्यादा से ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर बिताना चाहते, इन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, इंडिविजुअल चैनल बना लिए, और अपनी बात है कि उनको कौन फाइनेंस करता है आप समझ सकते हो, वो एक दूसरे का हाथ बटा रहे और सोशल मीडिया पर अपनी ताकत जमाना चाहते तो करें। लेकिन ये एक बात भूलते हैं कि अरे आप अगर मेनस्ट्रीम मीडिया जो बैलेंस और विश्वास का रखते तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं हो जाता। तो वही बात इनकी जो है कि अगर कोलकाता का मीडिया ल्यूटियन मीडिया पर हावी हो गया तो मान लो हम खत्म हो गए, बचा कुचा जो है, इसलिए कांग्रेस को बचाना है। मैं आपको एक
फिल्म की याद दिला दूं, शतरंज के खिलाड़ी नाम की जो फिल्म सत्यजीत रे ने बनाई थी, संजीव कुमार की। हाँ, संजीव कुमार, सईद जाफरी वगैरह थे तो, और गब्बर सिंह कौन अपना अमजद खान थे। जी जी, तो उसमें वो अमजद खान अवध के नवाब दिखाए गए थे और वो नाच गाने में मग्न होते थे। तो उनका जो एक गोरा अफसर था, गोरा उनका सरदार था, तो उसको जितना अवध के बारे में प्यार था उतना भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो रोता है उसमें। टॉम अल्टर ने वो किरदार निभाया था जी। कंपनी सरकार आ रहा है और अवध का कब्जा कर रहा है तो वो गोरा अफसर रो पड़ता है, उस असल में वो तो नवाब नहीं था जी, वो नवाब का एक अपॉइंटेड नौकर चाकर था, सलाहकार था, लेकिन वो भी रो पड़ा। उस ढंग से कांग्रेस की सल्तनत खत्म हो रही है इसलिए ल्यूटियंस मीडिया रो रहा है। आप जाकर देखिए, आपको शायद यूट्यूब पर शतरंज के खिलाड़ी का वो घटना है, वो आप देख सकते हो कि बादशाह नाच गाने में मगन है और उसका एक गोरा अफसर रो रहा है, जो नौकर है, कि ये सल्तनत निकल जाएगी, कंपनी सरकार में शामिल हो जाएगी तो कुछ बचेगा नहीं। तो उसी ढंग से ये कांग्रेस के सालों से नौकर चाकर रहे हुए लुटियल दिल्ली के पत्रकार बुद्धिजीवी है, वो आजकल ममता के नाम से रो रहे। भाव, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को बचाने के लिए ये लुटियन मीडिया वाले अब मोदी का साथ भी दे सकते हैं ममता को रोकने के लिए? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना कि ये अचानक मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया कि अरे ये क्या हो गया, ये मोदी मोदी के बारे में बोलना ही इन्होंने छोड़ दिया। ये ममता गड़बड़ कर रही है, ममता कुछ कर रही है, ममता अपोजिशन का सत्यानाश कर रही है, ये कहां से आ गया? अगर कांग्रेस में जो फ्रस्ट्रेटेड रहे, गोवा के हो, त्रिपुरा के हो, मेघालय के हो, अगर, और ये आइडिया तो मेरी थी, मैंने कम से कम एक साल पहले बोला था कि अगर सोनिया प्रियंका को नहीं चलानी है तो ममता को सौंप दो कांग्रेस, जगन रेड्डी को सौंप दो, शरद पवार को सौंप दो, वो चलाएंगे कांग्रेस, और ठीक ढंग से एक पार्टी बीजेपी के सामने खड़ी हो जाए। गणतंत्र में कोई टक्कर वाली पार्टी होनी चाहिए। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं रहा हूं, मैं बीजेपी का भी समर्थक नहीं हूं, मैं मोदी का समर्थक जरूर हूं, लेकिन अगर बीजेपी के सामने कोई टक्कर देने वाली पार्टी नहीं होगी तो बीजेपी की भी कांग्रेस हो जाएगी, मतलब बीजेपी भी करप्ट हो जाएगी जी। अगर बीजेपी करप्ट नहीं होनी चाहिए तो उसे टोकने वाला कोई स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी चाहिए। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया नहीं चलाना चाहती और करना नहीं चाहती, या तो बीजेपी की बी टीम होकर कांग्रेस रहना चाहती है, तो उससे पॉलिटिक्स निकलनी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस स्ट्रांग हो तो कांग्रेस को ममता के पास सौंप दो, ममता चलाएगी। जगन रेड्डी देखो 10 साल जूझते रहा और उसने आंध्र में सत्ता पलट करके दिखाया। पवार साहब है हमारे, उनके पास कोई एक अनुभव है, वो पुराने कांग्रेसी है, गुलाम नबी हो गए, वो चाको हो गए, या और कोई और अलग अलग स्टेट के नेता है, वो पवार साहब के साथ कुछ कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जी जी, ये आइडिया मेरा था कि भैया अगर राहुल को, गांधी परिवार को कांग्रेस नहीं चलानी है तो वो किसी पुराने कांग्रेसी को सौंप दे जो आज पार्टी में नहीं है, लेकिन अलग से कुछ उन्होंने करके दिखाया है, जो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन और एक बात है कि राहुल गांधी को वगैरह कांग्रेस क्या भंगार चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉपर्टी पर ये सब जो क्या बोलते हैं परोपजीवी है ल्यूटियंस मीडिया, वो तो उसी प्रॉपर्टी पर जी रहा है, तो इनके लिए बड़ी दुविधा हो गई है कि लड़े तो मोदी के खिलाफ लड़े या ममता के खिलाफ लड़े। और भाव, आगे बढ़ने से पहले मैं एक तो जो सुपर चैट के माध्यम से लोगों ने सहयोग किया है, राम अग्रवाल जी और संदीप नाग, आप दोनों का आभार। आपने कोई सवाल तो नहीं पूछा पर कुछ कंट्रीब्यूट किया है OCN नेटवर्क के लिए। और एक VP के नाम से एक सवाल आया है,
इसको ले लेते हैं भाऊ, उसके बाद फिर अपनी चर्चा पर लौटते हैं। इन्होंने पूछा है, क्या ब्राह्मण वोट देंगे योगी को, और योगी आगे चलकर के अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्या ओवैसी या दीदी दूसरे जिन्ना बनेंगे? नहीं नहीं, इतना नहीं बनेगा। पहली बात तो मैं बोल दूं कि योगी को प्राइम मिनिस्टर बनाना ये दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। देखिए, मोदी ने गुजरात जैसे छोटे राज्य से जाकर जिस ढंग से गुजरात में डेवलपमेंट करके अपनी पूरे देश में इमेज बनाई, और दूसरी बात यह है कि मोदी की इमेज बनाने में ये जो ल्यूटियंस मीडिया का योगदान बहुत भारी है, वो योगदान अभी योगी को नहीं मिल रहा है। मोदी की ऑल इंडिया इमेज जो बनाई है, वो आरएसएस ने या बीजेपी ने नहीं बनाई है, बल्कि बीजेपी में बहुत सारे दिल्ली में बैठे नेता भी मोदी को मानने को राजी नहीं थे। हाँ, शुरू में तैयार नहीं। ल्यूटियंस मीडिया ने मोदी को बदनाम करते करते यहां तक पहुंचा दिया कि मोदी नेशनल लीडर बन गए। वो कहानी तो आपको याद होगी वाल्मीकि की, कि वो तो उसको तो नारद मुनि ने बोला था कि भाई राम राम तुम बोलते जाओ, तो वो तो मरा मरा बोलता गया, उल्टा बोलते गया, फिर भी तपस्या हो गई। तो ये तो मोदी मरे मरे बोलते थे, लेकिन मोदी मरने के बजाय उसको बड़ी संजीवनी मिल गई, वो ऑल इंडिया। तो अभी उतना योगदान ल्यूटियंस मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया का योगी को नहीं मिला है। और योगी की जो ग्रीप है, अनुभव है, वो इतना बड़ा नहीं है कि वो मोदी की जगह प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अभी नहीं है। सही। लेकिन एक बात दूसरी है कि योगी हो या हमारा देवेंद्र फडणवीस हो, ऐसी सेकंड और थर्ड जनरेशन की लीडरशिप मोदी आज से डेवलप कर रहे हैं, जो अडवाणी वगैरह ने नहीं की थी। ये फर्क है। उनको काम देते अब चलाओ। अब योगी को, जब योगी के नाम पर तो चुनाव नहीं जीता था, फिर भी योगी को चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद मोदी जी ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है, उनको अपने ढंग से काम करने दिया। वर्मा नाम के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनके जैसे जो टेबल लीडर होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ताकत से हैंडल कर सकते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य, ये दो चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मिलकर काम अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। लेकिन उस पर देखकर हम कोई किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। सही। और पूरे देश में जिसकी इमेज हो, आज मोदी के नाम पर, पहली देखिए आप कि 2014 में मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट मिला था, लेकिन 5 साल का जो अनुभव था, और अमित शाह जैसे ऑर्गेनाइजर ने पार्टी पूरे देश में फैलाने की कोशिश की, तो 2019 का जो वोटिंग है उसमें से बहुत सारा वोट मोदी के नाम पर भी मिला, लेकिन आधा वोट तो बीजेपी करके मिला है। हाँ, ये पार्टी कांग्रेस की जगह ले सकती है, इसलिए मिला है। तो प्राइम मिनिस्टर जब बनाना है किसी को, तो उसके नाम पर वोट भी आने जरूरी है, और उसके पास पार्टी का संगठन का ढांचा भी होना चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए, उसको अनुभव और समझ भी उतनी होनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि योगी जी आज की तारीख में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते। भाव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी अगर 2024 में विपक्षी दलों की तरफ से मोदी के खिलाफ नेतृत्व करना चाहती हैं, विकल्प बनना चाहती हैं, तो बंगाल के बाहर उनको कहां समर्थन मिलेगा? और जिस तरह के हालात बंगाल में हुए थे नतीजे आने के बाद, जिस तरह से एक वर्ग को, एक समुदाय को, मैं सीधे सीधे अगर कहूं तो मुसलमान गुंडों को वहां के, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने संरक्षण दिया था, उसके बाद क्या हिंदुस्तान में बाकी जो बहुसंख्यक हैं, मैं अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा, बहुसंख्यक है, वो ममता बनर्जी को पसंद करेगा, स्वीकार करेगा, उनको वोट देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। इसका कारण सीधा है कि एंथनी कमेटी ने भी 2014 के बाद यही रिपोर्ट दिया है कि कांग्रेस को तो मुस्लिम पार्टी लोग आपने बना दी, और उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि ममता के चेहरे पर ना महाराष्ट्र में, ना केरला में, ना राजस्थान में वोट मिलेंगे।
मोदी के नाम पर वोट मिले थे क्योंकि लोगों के पास गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल पहुंचा था। आज ममता देश भर में बंगाल का डेवलपमेंट मॉडल पेश करेगी क्या? नहीं करेगी, ना कर सकती है। एक तो उनके पास आज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा नहीं है, और समझो वो अगर कांग्रेस का उन्होंने कब्जा कर लिया फिर भी वो चेहरा नहीं बन सकता, ये समस्या है। देखो कांग्रेस के पास ढांचा था लेकिन उन्होंने जो चेहरा दिया राहुल गांधी का वो गलत था, कि ये तो कोई मिनिस्ट्री का काम लेकर भी कुछ नहीं कर पाया, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, ये कोई पॉलिसी लेकर आगे नहीं बढ़ता, ये क्या करेगा? तो कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है वो ढांचा होने के बावजूद हुआ, इसका कारण ये है कि उन्होंने राहुल गांधी को चेहरा बनाया। अगर राहुल गांधी चेहरा नहीं होता और कांग्रेस फिर भी बोलती कि कैसे भी वो मनमोहन सिंह ही हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे या गुलाम नबी आजाद होंगे, तो भी कांग्रेस की हालत इससे अच्छी होती। लेकिन कांग्रेस का चेहरा गलत था और इसके परिणाम कांग्रेस को 14 और 19 में भुगतने पड़े। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपके पास चेहरा क्या है। ममता ऑल इंडिया चेहरा आज भी नहीं है, और जिस ढंग की उनकी छवि बन गई है, देखो मोदी की छवि एंटी मुस्लिम करके पेश की गई, लेकिन वो तो बहुत सारे लोगों को कोई तो चाहिए था। और मैंने ये बार बार बोला है कि 2012 के चुनाव में मोदी जी एक महीने से गुजरात भर घूम रहे थे सद्भावना यात्रा करके, और उस वक्त एक मौलवी उनके पास पहुंच गया और उस मौलवी ने उनको वो स्कल कैप देने की कोशिश की, टोपी देने की कोशिश की, तो मोदी जी ने उसको हाथ पे ही उसको रोका, नहीं ये टोपी मैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे देना भी नहीं। तो क्या मोदी जी को मालूम नहीं था कि भाई 10 जगह कैमरे लगे हुए है, ये तो इसका रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसका फिल्मिंग हो जाएगा, और ये उठाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश होगी, 10 लाख बार ये टीवी पर दिखाया जाएगा, देखो ये कैसा मुस्लिमों के खिलाफ है, ये इस्लाम का इंसल्ट कर रहा है, ये चिल्लाया जाएगा। ये मोदी जी को मालूम था और जानबूझकर उन्होंने वो वीडियो बनाने दिया। वो क्या बोल रहे थे ये तो हमने नहीं सुना, लेकिन वो जो पिक्चर था वो बार बार दिखाया गया, उसके फोटो जो थे वो मैगजीन में छपवाए गए, कई कई छपवाए गए, लेकिन वो मोदी जी को चाहिए था, क्योंकि ये एक पिक्चर थी कि लोगों के पास पहुंच गई, लोग बोले अरे यार कम से कम एक तो हिंदू इतनी हिम्मत रखता है कि मैं इफ्तार नहीं करूंगा, इफ्तार पार्टी नहीं करूंगा, मैं ये टोपी नहीं पहनूंगा। बस उस कारण से मैं मानता हूं कि कम से कम 50-60 से ज्यादा एमपी तो उस फोटो से मोदी को मिले। सही। ममता इस स्कीम ऑफ थिंग्स में बैठती है? बिल्कुल नहीं, वो तो नमाज पढ़ते हुए उसकी पिक्चर है। तो बहुसंख्यक बोलेंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर बन गई तो सारा गुजरात में भी हमको जिंदा रहना आसान नहीं होगा। तो गुजरात हो महाराष्ट्र हो, जो हिंदू माइंडसेट वाला वोटर है वो कम से कम 2-4 करोड़ होगा, लेकिन वो है जिसको आप हिंदू वोट बैंक बोलते हो। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैंने उस वक्त यानी 2013 में लिखा था कि मोदी की स्ट्रेटेजी साफ है, अगर इस देश में समझो 18% मुस्लिम वोट है और 18% के 18% वोट अगर किसी को जाने वाले हैं और उस पर ही राजनीति होने वाली है, तो 18% का या 20% का हिंदू वोट बैंक बन जाता है तो वो मुस्लिम वोट बैंक को मार्जिनलाइज करता है, और वो मार्जिनलाइज होने के बाद जो कुछ पार्टियों के नाम पर विचारधारा के नाम पर ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे वो तो मेजोरिटी ला सकता है, यही तो मेरी थियोरी थी। जी, मैंने 2013 में मैंने एक लेखमाला लिखी थी, सीरियस लिखी थी, उसमें ये थियोरी पेश की थी जब मोदी पिक्चर में नहीं थे, और वही 2014 में हो गया। तो इसलिए ममता अगर अपोजिशन का चेहरा बन जाती है तो मोदी जी को प्रचार के लिए निकलने की भी जरूरत नहीं। 2024 मान लो आज ही मोदी जी ने
और बीजेपी ने जीत लिया है। भाव, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल एक ये है, अभी आपने जिक्र किया था कि जो कांग्रेस के भीतर से निकल करके अलग अलग राज्यों में सर्वाइव हुए हैं, वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी की, जिनको 2019 के इलेक्शन में 22 लोकसभा सीटें मिली थी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जिनको 2019 के लोकसभा चुनाव में 23 सीटें मिली थी, शरद पवार की पार्टी हालांकि 3 सीटें मिली थी लेकिन मिली थी, इन सबको अगर मिला लें तो 48 सीटें बैठती हैं और कांग्रेस की कितनी आई थी भाऊ, केवल 52। तो अगर ये तीन दल मिल जाते हैं 2024 के लिए और 2022 के शुरू में जो इलेक्शन होने वाले हैं 5 राज्यों के, उनमें कांग्रेस को किसी भी राज्य में यानी उत्तराखंड और पंजाब में भी सफलता नहीं मिलती है, तो क्या आप देखते हैं कि कांग्रेस में जो टूट इस समय हल्की हल्की दिखाई दे रही है ये भूचाल भी बन सकती है? बिल्कुल, वो फ्लडगेट्स ओपन हो जाएंगे, जैसे बांध टूटता है और पानी निकलकर बाहर जाता है, तो पंजाब और यूपी के चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद तो कांग्रेस बचेगी भी नहीं। यानी हमारा महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वहां के भी जो लोकल लीडर है जिनका कुछ प्रभाव है वो बगावत कर उठेंगे, वो बगावत कर उठेंगे। तो उसके लिए जिसको मान्यता होगी, पवार साहब हमारे जो प्रयास कर रहे थे वो उसी कारण कर रहे थे, कम से कम वो उनकी सीनियोरिटी है, अगर उनके साथ गुलाम नबी वगैरह मिल जाते तो इसके पहले ही बदल हो जाता। लेकिन इनके तो क्या होता है, एक तोता होता है, हम पालतू तोते देखते, ये पालतू तोता आपके कोई पहचान वाले के पास होगा तो उसको पिंजड़े से बाहर निकालो, वो जल्दी से फिर पिंजरे में जाना चाहता है, वो डरता है बाहर की दुनिया को, वो खुद को पिंजरे में सेफ मानता है। सबके सब कांग्रेसी नेता जो है उनकी यही हालत हो गई है। आज मैंने कहीं एक इंटरव्यू देखा मणिशंकर अय्यर का, उन्होंने भी यही कहा, जो सोनिया जी के मेहरबानी से सीनियर लीडर बने बैठे वो क्या बगावत करेंगे, वो क्या अलग विचारधारा लेकर खड़े हो सकते, क्योंकि उनका कांग्रेस में वर्किंग कमिटी हो या सीनियर लीडर पर करके स्थान है वही उस पर निर्भर है। अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की राजनीति कैसी रही, कि वही मल्लिकार्जुन खड़गे को अच्छी हिंदी नहीं आती, वो जो अधीर रंजन चौधरी है वो गलत हिंदी बोलते, उनको लोकसभा में लीडर बनाकर पेश करो, तो वो राहुल गांधी के सामने उनकी चमक नहीं दिखाई देनी चाहिए। मनीष तिवारी को नहीं करेंगे, शशि थरूर को नहीं करेंगे, क्यों, दोनों भी हिंदी और अंग्रेजी अच्छी बोल सकते हैं, इसलिए तो इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधे को हटा दिया। बिल्कुल, इतना कॉर्नर किया कि निकल जाओ भैया, ये कांग्रेस की हालत है। और इस पर तो ये जो राजदीप भाई बरखादत है या आशुतोष है वो तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो इनके आका है। इसलिए कांग्रेस को भविष्य क्यों नहीं है कि होगा तो यही होगा, नहीं तो मैंने, मेरा ख्याल है 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तब मैंने आर्टिकल लिखा था कि सोनिया गांधी ने अपोजिशन को उसकी औकात दिखा दी है, कि आपको हमारे मेहरबानी पर ही अपोजिशन पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, चाहिए तो राहुल गांधी ही लीडर एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो तुम अकेले अकेले लड़ो अपने अपने स्टेट में। और वही हो गया। जब तक ये फैले हुए छोटे छोटे स्टेट के जो लोकल प्रादेशिक नेता है वो इकट्ठा आकर कोई अल्टरनेटिव नहीं बनाते, और कांग्रेस के कुछ नेता लेकर एक नई पार्टी उभर कर सामने नहीं आती, तब तक कांग्रेस बीजेपी को हराना मुश्किल है। देखो इसी कारण से प्रशांत किशोर ने जो बोला कुछ महीने पहले कि अब कुछ दशकों के लिए बीजेपी के इर्द गिर्द ही पॉलिटिक्स घूमेगी, क्योंकि बीजेपी ही आज की कांग्रेस है, जो मैंने 2015 में बोल दिया था। अब इसके बाद बीजेपी ही कांग्रेस बनी है जो सेंटर की पार्टी रहेगी और उसके परिप्रेक्ष्य में बाकी सब पार्टियां घूमेगी।
पर भाव 2022 की घटनाओं के बाद ये लुटियन मीडिया का क्या होगा, ये तो अपने कपड़े फाड़ लेंगे, क्योंकि 2024 तक ममता बनर्जी शांति से तो बैठेगी नहीं, कांग्रेस में टूट फूट होगी, तो 10 जनपद की चाकरी करने वाले ये लुटियन मीडिया वाले, इनका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। नहीं नहीं, उनके बारे में मुझे 6-7 महीने पहले इंडिया टुडे का जो मराठी यूट्यूब चैनल है मुंबई तक, उस पर पवार साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था, और वही बात वैसे तो पवार साहब ने नहीं बताई ऐसा मैं नहीं मानता। तीन साल पहले जुलाई महीने में 2018 के जुलाई महीने में जयराम रमेश ने भी वो बोला था कि सल्तनत तो चली गई लेकिन हमारे नेता आज भी सुल्तान बने जैसा बर्ताव करते। ये जयराम रमेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में बोला था कि सल्तनत तो खालसा हो गई है, खत्म हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, लेकिन राहुल गांधी नाम नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन बोला था कि अभी भी वो सुल्तान बने बैठे। और शरद पवार ने बोला था कि यूपी में जो पुराने जमींदार है जिनकी किस जमाने में 1000-2000 बीघा जमीन थी, वो तो सीलिंग कानून में चली गई, अब 10-15 बीघा भी जमीन बची नहीं है, लेकिन हवेली आज भी वही है जिसकी देखभाल करने का खर्चा भी इनके पास नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी सुबह बाहर निकलते और बोलते देखो वो वहां से वहां उस पहाड़ से लेकर उस पहाड़ तक इस नदी तक पहुंचे, सब हमारी जमीन थी। ये पवार साहब बोले ये जमीन हमारी थी, है नहीं, ये पवार साहब ने कहा है। तो अभी भी राहुल हो प्रियंका हो उसी जमाने में बैठे हैं, वो उससे निकल नहीं पा रहे। मैं आपके जो सुनने वाले देखने वाले उनको बोलूंगा कि जलसा घर नाम की सत्यजीत रे की एक बंगाली फिल्म है, बहुत बढ़िया है। वो पुराने जमाने का जमींदार भद्रलोक जी, तो एक गांव का एक छोटा लड़का कोलकाता में जाता है, कुछ बिजनेस करता है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है, बहुत पैसा कमाता है और गांव में आके हवेली बनाता है। तो उस हवेली में वो जलसा घर बनाता है जहां नाच गाना होता है, पुराने जमींदार जैसी हवेली और उसमें जलसा घर। तो वो जमींदार गांव का बड़ा होता है, उसको इन्वाइट करता है, बोलता है आ जाओ, आप नहीं होगे तो रौनक नहीं होगी। तो वो पैसा जो खर्चा करता है वो देख कर वो जमींदार डिस्टर्ब हो जाता है, उसके पास बचा कुचा तो कुछ नहीं है, फिर भी वो अपने वो पुरानी हवेली में एक जलसा आयोजित करता है, उसके लिए हवेली ही गिरवी रखता है और रात देर तक वो जलसा चलता है, लोग निकल जाते रात देर कभी, और सुबह घोड़े पर बैठकर निकलता है और कुछ गंगा किनारे वगैरह घोड़ा दौड़ाता जाता है और उससे गिर पड़ता है और मर जाता है। जी जी, पवार साहब हो या जयराम रमेश जो कुछ बोलते हैं उसका आपको विजुअल देखना है तो सत्यजीत रे की वो जलसाघर फिल्म शायद यूट्यूब पर भी मिलेगी, वो देखने जैसी। तो कांग्रेस की और कांग्रेस के मेहरबानी पर टुकड़ों पर जीने वाली जो लिटरेंस मीडिया है उनकी हालत आज वैसी है, वो तो मेनस्ट्रीम मीडिया की रौनक चली गई है सोशल मीडिया के सामने, लेकिन ये आज भी हम संपादक है, हम बुद्धिजीवी है, हम पर इस देश की बुद्धि चलती है ऐसा मानकर सुल्तान बने बैठे, तो बैठे रहे कोई बात। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक निवेदन कर दूं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे फेसबुक पेज है मेरा, ओसियन नेटवर्क के नाम से ही है। आप में से जितने लोग फेसबुक पर हों वो इस पेज पर जरूर आएं और लाइक करें और उसकी सदस्यता लें। उस पर मेरे वीडियो भी आ रहे हैं दोनों चैनलों के और कुछ दूसरी सामग्री भी आ रही है जो हम YouTube पर नहीं डाल सकते हैं, यानी टेक्स्ट मैसेज और आर्टिकल वगैरह भी वहां पर आ रहे हैं। तो फेसबुक पेज है ओसियन नेटवर्क के नाम से, उसको आप जरूर लाइक करके उसकी सदस्यता लें। भाव आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी ममता बनर्जी दिल्ली में थी, पत्रकारों ने पूछा कि आप
सोनिया गांधी से नहीं मिली तो वो पत्रकारों पर बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि संविधान में लिखा हुआ है क्या कि हर बार जब भी हम दिल्ली आए तो सोनिया गांधी से मिले ही मिले। दूसरे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है पार्लियामेंट के नए सेशन के लिए, और ममता बनर्जी की पार्टी ने कह दिया है कि हम इसमें नहीं जा रहे हैं। तो ये कैसी विपक्षी एकता है भाव? अब आपने जनपद की बात निकाली तो, और कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात बोल दिया आपने, संविधान की, तो ये जो दिल्ली का मीडिया है उसे लगता है जनपद यानी जनता का पथ है वो वही है, जनता को वही जाना चाहिए। तो ये तो बोलने का तरीका होता है इनका, बोलने का, आप क्यों नहीं, अरे क्यों जाए भैया, क्यों जाए। जब वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी तब लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ना जरूरी है, मैं लड़ने को तैयार हूं करके ममता अकेली बाहर निकली थी, और उनके साथ मेरा ख्याल है वो अजीत पंजा वगैरह कोई 4-10 लोग थे, और वो बीजेपी की भी साथ चली गई, और उन्होंने तृणमूल के नाम पर 8 MP चुनकर लाए थे, आपको याद होगा 98 की बात है। जी जी, तो उस वक्त भी कांग्रेस को बंगाल में लेफ्ट फ्रंट से 2 हाथ करने चाहिए यही प्रस्ताव लेकर ममता सीताराम केसरी के जमाने में 10 जनपद गई थी, उनको सोनिया गांधी ने क्या रिस्पांस दिया? अब जो ममता खड़ी है वो अपने बलबूते पर खड़ी है, वो क्यों सोनिया गांधी के पास जाए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सोनिया के नाम पर राहुल के नाम पर एक भी MLA चुनकर नहीं आता, वो जिसने दिखा दिया वो क्यों जनपद जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन आपने जो बोला ये सब 10 जनपद के आश्रित है, बिल्कुल, वो जो आप कहीं धर्मस्थल में जाते केदारनाथ जाएंगे या हमारे शिरडी में आएंगे तो मंदिर के पास जाने के पहले जो दुकानें होती है वो बोलते हैं ना, अरे आरती का सामान ले लो, आरती का सामान ले लो, फूल ले लो, नारियल ले लो, ये जो करने वाले इनको आप दिल्ली के पत्रकार बोल रहे हो, वो बोल रहे आप देवी के पास क्यों नहीं जाती, और देवी के पास जाना है तो हमारे पास से नारियल वो कुछ और होता है सामान फूल वगैरह ले लो। ये ऐसे दुकानदार है, ये कहाँ के पत्रकार हो गए? अगर पत्रकार होता तो क्यों पूछता भाई, ये संजय राउत को क्यों नहीं पूछते कि भाई तू जनपद 10 जनपद क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसको तो अंदर ले गए नहीं पहले। अरे अमरिंदर सिंह आकर बैठता है, हमारे अशोक चव्हाण जाकर बैठते हैं दिल्ली में, उनको अंदर नहीं लिया जाता तो ममता क्यों जाएगी, बुलाए तो भी नहीं जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर जाना जरूरी है तो ये इनकी मेहरबानी क्यों है, मेहरबान तो उनको होना चाहिए कि भाई आ जाओ हमारे पास आ जाओ, हम कुछ कर रहे हैं। ये अपना जो चाकर है, नौकर है मल्लिकार्जुन खड़गे, उससे इनविटेशन भेजती है वहां आ जाओ और शायद मेहरबान हो गए तो हम भी दर्शन देंगे। तो वो सोनिया को या प्रियंका को वो देवता नहीं मानती, वो उनकी मर्जी है, वो अपनी ताकत से लड़िए जीतिए, तो आपकी मेहरबानी कृपा होने के लिए वो क्यों आएगी? आप राहुल गांधी कभी गए कि बाबा ममता कहो भवानीपुरा कहाँ रहती है? कितने बार राहुल गांधी कोलकाता गए, प्रियंका गई है, गई कभी ममता के घर? अगर नहीं गई है तो वो क्यों आ जाए, वो क्यों आ जाए? कभी राहुल गांधी आए और मातोश्री पर चले गए हुआ ऐसा? नहीं तो आदित्य हो या उद्धव ठाकरे हो, उनको क्यों 10 जनपद जाना चाहिए? क्यों पवार साहब के सिल्वर ओक पर राहुल गांधी नहीं जाते मुंबई में आने के बाद? बिल्कुल, तो शरद पवार क्यों 10 जनपद जाएंगे? लेकिन ये चमचे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं उन लीडर पर नहीं बोल रहा हूं, या ऐसे सवाल पूछने वाले जो पत्रकार है वो कितने लाचार है, कैसे भिखारी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सही बात,
देखिए आपके पंच सुन करके बहुत सारे लोगों ने पंच मारने शुरू किए हैं। राजेश लिमे कह रहे हैं ममता ने लुटियंस का चैन छीन लिया, आगे जाके ये मीडिया भी कहेगा कि ममता मोदी से मिली हुई है। बिल्कुल बी टीम है। असल में बीजेपी की जो बी टीम होती है वो कांग्रेस का भविष्य का साथी होता है। आपको मालूम होगा कि कर्नाटक के चुनाव चल रहे थे तब कुमार स्वामी और देवेगौड़ा की पार्टी बीजेपी की बी टीम है सर, राहुल गांधी बोल रहे थे, और चुनाव खत्म होने नहीं तो उनको ही चीफ मिनिस्टर बनाया। मतलब सीधा साधा है, ओवैसी हमेशा बीजेपी की बी टीम होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में बैठते तो कांग्रेस के साथ होते। तो ये ए टीम बी टीम बनाना ये मजाक बन गया, हास्यास्पद बन गया। बिल्कुल सही। अब परमवीर देखिए ना, परमवीर जो थे ये तो इनके लिए स्कॉटलैंड यार्ड के कमिश्नर थे। बिल्कुल इंडिया टुडे को पीछे डालकर रिपब्लिक को फंसा दिया था, वो अब बीजेपी के हो गए और बीजेपी उनको बचाने की कोशिश कर रही। अरे देवेंद्र ने असेंबली में बोला इसलिए तो परमवीर फंसे, और आज क्यों उनको बचाती है बीजेपी? अरे किसने बीजेपी को बचाया? वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो वकील है उन्होंने बता दिया सामने आकर कि मैं जब परमवीर के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पुलिस जो है वो मुझे कागज भी नहीं देते परमवीर के खिलाफ बोलने के लिए। जी, तो परमवीर को बचाने की कोशिश महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, और आरोप करते हैं नवाब मलिक केंद्र के मोदी सरकार पर। यानी ये सब मजाक बन गया। आजकल तो नवाब मलिक की भी नींदें उड़ी हुई हैं, कह रहे हैं मेरा अनिल देशमुख बनाने पर तुली हुई है केंद्र सरकार। वो तो क्या वो वानखेड़े को जेल में डालने वाले थे तो आज एक भी पत्रकार उनको नहीं पूछ रहा है, अरे यार तुम तो उसको जेल में डालने वाले थे, तुम कहां जेल में चले गए, तुम क्यों जेल में जाना चाहते हो? लेकिन पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। जो असली सवाल है वो तो कहानी बोलते है ना कि राजा का प्यारा तोता मर गया, तो तोता मरा या कोई नहीं बोलता था, वो बोलता तो वो पंख नहीं फड़फड़ा रहा है, ना चोच खोल रहा है, ना आंखें खोल रहा है, लेकिन मरा कोई नहीं बोलता था। ये सब मेनस्ट्रीम मीडिया आज वो मरा हुआ तोते की स्टोरी बताने वाला हो गया। सही भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, आपका इतना समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।